आज रेस लगेगी R15M वर्सेस RC390। भाई अपना मुकाबले पे अपना बंदा देख रहे हो। या आपका तो पैन भी नहीं चल रहा। मेरा नहीं है, ये बाइक है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अपने सैंसपुर से और आज आपके पास देख रहे हो मतलब हमारे साथ है R15M अपनी 20 जमाती बिल्कुल धो रखी है अपने भाई ने। और दूसरी हम लेके आए आज RC390, ये लेके आया हमारा अंडिम भाई ये। सो आज इसका कंपेरिजन करेंगे हम खुद से, क्योंकि हमने RC390 RC नहीं चलाई, ड्यूक चला रखी है। तो RC की आज पावर वगैरह चेक करते हैं, जो भी इसमें मतलब अच्छी बात है गलत बात है, जो कंपनी की बोलता है ना इसमें ABS वगैरह सही से काम नहीं करता या जो भी कुछ बोलती है कंपनी, तो आज कंपैरिजन करते हैं। आज रेस लगेगी R15M वर्सेस RC390। मस्त प्लान है। सो अर्नी भाई चलाने वाले हैं हमारे R15 और आपका भाई चलाने वाले हैं RC390। आज दूसरी बार चलाएगा भाई, तो पहले ब्लॉगिंग नहीं करता जब चलाते थे। RC390 का लुक देख सकते हो आप, छोटा सा लग रहा है उसके मुकाबले। और ये इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, आवाज़ देख सकते हो आप पीछे बहुत ज़्यादा। ओ भाई बंद होगी भाई, इसमें ब्रेक वगैरह बहुत कम है और पिछला ब्रेक भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। सो थोड़ा सा एवरेज ही चलाना पड़ेगा। ये क्या है, अजब बेइज्जती है। होगी भाई होगी होगी, वरना बेइज्जती हो जाती है आज पब्लिक के सामने। पीछे कोई नहीं है, आराम से चलते हैं व्हीली ट्राई करके। भाई बहुत तगड़ी भाग रही भाई, बहुत तगड़ी भाई। लेकिन ये जो हम बाइक लाए ना, ये थोड़ी सी मतलब काम वगैरह मांग रही है, हल्की सी हिल रुल रही है, इधर उधर से पार्ट ढीले भी हैं इसके। सो सेकंड गियर में देखना आप अभी, ये देखो सेकंड गियर में 82 जा रही है भाई, ये भाई RCFP यार बहुत पावर है इसमें। और अब भी R15 तो पीछे होगी नहीं होगी पता नहीं। भाई अपना मुकाबले पे अपना बंदा देख रहे हो। R15 के बाद अगर आप 390 चला रहे हो ना भाई, बहुत बड़ी बात है यार। तो अभी भी देखते हैं सेकंड गियर में ना भाई, नहीं उड़ी अपनी बाइक से। मतलब बैक फायर अपनी बाइक मारती है ना, वो मैंने अभी तक किसी बाइक में नहीं देखी भाई। R15 हो या फिर RC हो या फिर ड्यूक भी हो, किसी में नहीं देखा गाइस मैंने अपनी बाइक के अलावा। और पावर देखो भाई, फोर्थ गियर में भी अपनी बाइक ऐसे पिकअप मांग रही है जैसे उठा लो भाई। अभी चेक करना, बाय बाय।
मतलब इस बाइक की पावर नेक्स्ट लेवल है गाइस, नेक्स्ट लेवल। अपनी बाइक जितने में ये देख रहे हो ये तीसरे में मोटर फायर मारती रहती है। और ये बाइक भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, पांचवा गियर हो आपके पास और 150 की स्पीड आप बिल्कुल नॉर्मल चला सकते हो उसको लीन करके भाई। ऑसम पावर है यार, ऑसम। और बाकी साउंड देखो अपनी बाइक का बैक फायर के साथ भाई, बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा यार। तो गाइस कमेंट जरूर करना भाई ये पावर जितनी इस बाइक में है RC 390 में, क्या ड्यूक में भी इतनी हो पाएगी? ड्यूक 390 वर्सेस RC 390 अगर हम करना चाहें तो आप कमेंट जरूर करना कि कौन सी बाइक अपनी जीतेगी। तो विनर का आप कमेंट बता सकते हो, क्योंकि जो RC वाले हैं वो बताएंगे भाई RC, और 390 ड्यूक वाले बताएंगे भाई ड्यूक। सो आपके मन में क्या आता है, ड्यूक या RC? इसकी ड्रैग रेस करेंगे शायद आज ही करेंगे। सो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ड्रैग में कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा आगे रहेगी, कौन सी विनर रहेगी, कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत मतलब ऑसम पावर है यार। मैंने ना दूसरी बार अपना एक्सपीरियंस किया है RC 390 का। सो गाइस ये एक्सपीरियंस तो भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है यार भाई, पांचवे गियर में 150 की स्पीड यार। गाइस रिएक्शन चेक कर रहे हो और गाइस ये थोड़ी सी ओवर हीट ज़्यादा कर रही है, इस साइड से हीट बहुत तगड़ी फेंक रही है ये, और इस साइड थोड़ा इंजन इस साइड है भाई, लेकिन हीट बहुत तगड़ी फेंक रही है। और पोस्चर वगैरह चेक कर सकते हो ना भाई, इसके मुकाबले इसका थोड़ा हाई है, पावर इतनी है भाई बाइक में कि भाई छठा गियर तो मैंने लगाया नहीं भाई। हम सैंसपुर से ना कम से कम 10-15 मिनट लेते हैं, लेकिन भाई मुझे 2-3 मिनट लगे यहाँ पे आने में भाई, 150 की स्पीड भाई। आपका तो पैन भी नहीं चल रहा। मेरा नहीं है ये बाइक है। राम भाई। ये है यूट्यूब चैनल। मुझे नहीं जानते क्या आप, सच में नहीं जानते? इतनी खुशी मुझे आज तक चढ़ के अपने ऑटोग्राफ ले लेके जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है यार। सो गाइस आपको मैंने दिखाई थी अपनी RC 390 की पूरी टॉप एंड वगैरह जितना भी इसका जाता है फिफ्थ गियर में, और RN5 का तो आपको पूरा पता ही है कि इसका लास्ट से लास्ट हमने कितनी चला रखी है। और इसकी एक चीज़ जो अच्छी लगी वो है इसकी पावर भाई, ड्यूक 390 से मुझे थोड़ी ज़्यादा पावर लगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ी स्पोर्ट्स फेयरिंग के साथ है, और इसमें टॉर्क इतना ज़्यादा है कि भाई अगर ये 2 भी हो ना जब भी इसका कंपेरिजन नहीं कर पाएगी, इतना टॉर्क है इसमें। और टॉप एंड की बात करें तो 156 से गई फिफ्थ गियर में, और इतनी जाती है सिक्स्थ गियर में। सो आप कंपेरिजन कर ही सकते हो और ये चीज़ चेक कर सकते हो ना भाई, दोनों बीस्ट क्या मस्त लगती है खड़ी हुई। ये थोड़ी मतलब फूली हुई है, मतलब फेयरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है इसमें, इतना ज़्यादा ब्रॉडनेस है, और ये थोड़ी सी पतली सी है। इसकी जो ये वाला लुक है ना, ये नई वाली 390 से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई, चाहे ये कुछ भी है, ये ख़त्म बाइक भी मान लो ना, उससे बहुत प्यारा है भाई। और इसमें जो मतलब पावर है वो शायद नई वाली में भी नहीं है। और अभी यहाँ से 0-100 टेस्ट कराता हूँ आपको, मेरे थोड़ा सा घर आगे है यहाँ पे कोल्ड रोड पे। सो अभी आपके 0-100 चेक कराते हैं और फिर कर देंगे ब्लॉग ख़त्म, छोटा सा ब्लॉग है सो पीछे कोई नहीं है। सो 0-100 करते हैं अभी RC 390 से। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ मैं 0-100 अपनी 390 पे। सो 1, 2 एंड 3 चेक कर रहे गाइस, और जिन भाई को मेरा घर नहीं पता ना वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं, भैया आपका घर नहीं मिलता, इस गली में मेरा घर है, चेक कर सकते हो, ये बेकरी है और यहाँ पे अपना घर। अंदर आके किसी को घर वगैरह आना वादा ना गाइस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,